देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। दर्शकों, डेढ़ साल पहले जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था भारत एट नाइन, डेढ़ साल से लेकर आज तक, तब से लेकर आज 17 मार्च 2022 तक, यही बात, यही जो आपने सुना अभी, जो कार्यक्रम से शुरू होने से पहले जो सामने आता है कि देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ, तो क्या दिखा रहे हैं हम? क्या हम भारत एट नाइन में आपको वो दिखा पा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ा है, जो सीधे आपकी बात करता है, जो सीधे समाज की बात है? क्या हम वो दिखा सके हैं? या फिर कमर्शियल सक्सेस के नाम पर झूमते, कमर्शियल बिजनेस लेवल सक्सेस के साथ झूमते चैनलों की श्रेणी में आकर हम भी खड़े? क्या हमने भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रथ पे सवार होकर, कैमरा लगाकर, माइक हटाकर, क्या आपको भी वही सब कुछ दिखाने की कोशिश की जो तमाम चैनल, कोई लेफ्ट है तो कोई राइट है, कोई इस विंग का है तो कोई उस विंग का है, किसी के ये वाला विंग है तो किसी के ये वाला विंग, यही सब दिखा? लेकिन भारत एट नाइन की शुरुआत डेढ़ साल पहले जब की गई थी, और आज डेढ़ साल के बाद जब मैं आपके सामने खड़ा, तो ये बात पूरे दावे, पूरे वादे के साथ और दिल पर हाथ रखकर कह सकता कि हमने हमेशा समाज की पत्रकारिता, समाज के लिए पत्रकार, जब राबिया सैफी की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, तो उसकी एक एक परत को उठाने का काम हुआ, एक एक परत। जब लखनऊ में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर को सरेआम पीटा गया, तब सबसे पहले हम खड़े थे, और हमारी स्टोरी के बाद तमाम चैनल्स उस स्टोरी को पिक। दर्शकों, जब एक अहंकारी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब फोन करके डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदसलूकी की, उनको अब्यूज किया, गालियां दी, तब कोई नहीं था, एवरीवन वाज बिजी इन प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजेंडाज ऑफ डिफरेंट एंड डिफरेंट पार्टीज, तब भी सिर्फ हम खड़े, जिन्होंने लगातार उन डॉक्टर्स के हक की आवाज उठाई। और रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट यह हुआ कि उन एमपी को उस हॉस्पिटल पर ताला लगाना पड़ा जो कि सवालों के घेरे में था। दर्शकों, हम थे जिन्होंने लगातार एसएससी जीडी के लिए सड़क पर रोते, बिलखते, तड़पते, धूप में पसीने से सने लोग, जब छात्र, जो बहने खड़े थे, तो हम उनके साथ आखिरी तक। और इस सब में इन सब लड़ाई पॉजिटिव हुई, कभी हार नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि हम सत्य के साथ, और सत्य परेशान हो सकता, सत्य थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ सकता, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज होली का दिन है, और होली के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक एक दर्शक को हमारी शुभकामनाएं। होली हर्षोल्लास का त्यौहार है, होली खुशियां मनाने का त्यौहार है, होली प्रेम का त्यौहार है, होली सौहार्द का त्यौहार, होली आपस में प्रेम बनाने का त्यौहार है, होली साथ आने का त्यौहार है। लेकिन क्या उनके बारे में नहीं सोचे जिनकी होली में जो गुलाल, वो दरअसल लाल, पिंक, येलो, रेड, ब्लू, स्काई ब्लू नहीं, बल्कि वो ब्लैक। वो क्यों ब्लैक है? वो इसलिए ब्लैक है कि उनकी होली अगर वो मनाएंगे तो उनकी आंखों का आंसू हर हकीकत को बयां करे, हर हकीकत। तमाम मीडिया चैनल्स के तमाम एंकर्स इन लोगों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्विटर तक। दे डोंट हैव करेज टू शो इट ऑन टीवी, दे डोंट हैव करेज। ट्विटर पर आके एक दो ट्वीट चिपका दे। हम भी ट्विटर पर उनका साथ लेते हैं, देते हैं, लेकिन इसको टीवी के माध्यम से भी, ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी सरकार के लोगों तक रखते हैं। बात कर रहा हूं
रीट के हमारे साथी, रीट के हमारे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा का परिणाम देखा, परिणाम के बाद अपने नंबर देखे और नंबर देखने के बाद वो काला दिन देखा जब उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। और आज मैं खुलकर बात रखूं कि इनकी होली खराब करने का अधिकार सरकार को किसने दिया। आज जितने भी लोग हैं ए टू जेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द ऑपोजिशन, जो गवर्नमेंट कहती है कि ऑपोजिशन के दबाव में हमने रोक लगाई, रद्द किया, जो ऑपोजिशन कहती है कि नहीं साहब ये तो सरकार के ऊपर हम दबाव बना रहे, मैं आज पूछ रहा हूं कि आखिर ये ब्लेम गेम कब खत्म होगा। क्योंकि भारत में बड़ा नॉर्मल है, ये बड़ा नॉर्मल है कि ब्लेम गेम है। आई एम ब्लेमिंग यू, यू आर ब्लेमिंग सम अदर पर्सन, ब्लेम गेम है भारत में, ब्लेम गेम। लेकिन आज मैंने जैसा कि पहले सोचा था, मेरी असाइनमेंट ने जैसा कि सोचा था कि आज दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों से बात करें, लेकिन मेरे असाइनमेंट ने कहा कि सर होली का दिन है, किसी की होली पर किसी को टेंशन मत दीजिए, रात की नींद मत उसकी खराब कीजिए। इसलिए अगला जब भी भारत एट नाइन त्योहार के बाद आप देखेंगे तब नेता पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी। लेकिन आज नेताओं से कह देता हूं कि आप जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे जब, तब ये बात मत कहिएगा कि इधर की कि उधर की, इधर उधर की बात ना कर ये बता कि काफिला क्यों जुटा, इस पर बात करें। और अब सीधे मैं बता दूंगा आपको कि रीट की भर्तियां जो प्रोसेस था उसको जो रद्द किया, डेट टाइम सब कुछ आपको पता है, क्या कुछ हुआ सब कुछ आपको पता है, किस वजह से की गई सब कुछ आपको पता है, सरकार क्या कह रही है सब कुछ आपको पता है। सरकार ने कहा बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया गया और दोषी भी आज घर पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए कार्यक्रम अगर देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, क्योंकि वो सब बाहर आ गए साहब, सब बाहर आ गए। मेरे साथ मनीष भाई जुड़े हैं मेरे लगातार। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनीष जी के साथ एक और हमारे साथी, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, नाम नहीं पता है मुझे, आपका नाम बता दीजिएगा जी। आप रेशमा राठौड़, अपना नाम बोलिए। ठीक है जी, रेशमा राठौड़। ठीक है रेशमा जी, आप पढ़ाऊंगा, लेकिन मनीष भाई रेशमा राठौड़। जी 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 रेशमा जी, मनीष भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। सर आपको भी और आपके पूरे परिवार को और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। बहुत जल्द मनीष भाई, बहुत जल्द आपकी जिंदगी के जो तमाम रंग, जो आजकल जो मैं बता रहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, वो बहुत जल्द आपकी सर हमारी लाइफ में पहला ऐसा, सर हमारी हमारी लाइफ में ये पहला त्योहार होगा होली का जो हम नहीं मना पा रहे हैं एक खुशी के साथ। वो खुशी नहीं है, कोई तिलक लगा जाए तो वो एक बड़ी बात है, बस ठीक है, मान सम्मान वाली बात है, कोई घर में आएगा लगाएगा, लेकिन दिल से होली मनाने का मन नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही मिलके जो षड्यंत्र रचा है हमारे युवाओं के साथ, क्या हमारी गलती ये है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और सत्ता में लाए, यानी वोट देने की सजा ये कांग्रेस पार्टी हम युवाओं को दे रही है, है सर? मनीष भाई सबसे पहले तो सरकार जो अत्याचार कर रही है, सरकार के जो नेता जो सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे मनीष भाई, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। अब सोनिया गांधी जी कहती है कि हमारी हार हुई है पंजाब में, उत्तराखंड में, तो इसके लिए वो ढूंढ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण खुद सर कांग्रेस है, ना कि बीजेपी है। देखो दो व्यक्ति है मार्केट में जाएंगे ना, एक जो अच्छा काम करेगा तो ये युवा या जनता है उसको नवाजती है कि अच्छा काम कौन कर रहा है, तो जनता उसकी तरफ ही जाती है। देखो दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी की सरकार आई, किसी को नहीं लगता था कि ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं ये दिल्ली की सत्ता को चला पाएंगे, उन्होंने चला के सिद्ध भी किया। और देखो पंजाब में भी आ गई क्योंकि उन्होंने देखो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छे कार्य किए हैं, वहां के प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, सब अच्छे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों की तो इतनी बढ़िया अच्छी हालत कर दी है कि बहुत ही कलरफुल स्कूल, बैठने की सुविधाएं, सब वातानुकूलित।
क्योंकि मनीष जी हम लोग बहुत लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, साथ में जुड़े हैं, लगातार जो आवाज है उसको हम एक साथ संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वो बवंडर बन जाए जिससे सरकार के जो ये फैसले हैं इन पर चोट हो। लेकिन मनीष जी आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में आप, क्योंकि वक्ता बहुत अच्छे हैं, आप बोलता बहुत अच्छे हैं, तो ये बताइएगा मनीष जी आज की तारीख में आप ये बताइए मुझको और तमाम जो लोग देख रहे हैं, जो आप ही के साथी हैं, आप ही के संगी साथी हैं, जो आपको देख रहे हैं, रेशमा जी भी आप बने रहिएगा, तो आप ही के जो लोग हैं मनीष जी, yes, आज वो सुनना चाहते हैं कि आप ये बताइए उनको कि कौन आपकी नजर में आज कौन है वो जो सबसे बड़ा दोषी है और जिस जो आज भी, आज भी मानने को तैयार है। सर कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में बैठी है सबसे बड़ी दोषी है। विपक्ष का तो काम क्या है जी आपकी सरकार को गिराने का, वो तो दूसरे दिन कहेगी आपकी सरकार गिर जाए। विपक्ष तो हमेशा ही चाहेगा, वो नहीं चाहेगा आप भी सत्ता में रहिए। आपने विपक्ष के कारण ये फैसला लिया तो एक गलत है डिसीजन सर आपका, आपका डिसीजन गलत है। आपकी उम्र हमसे डबल है, आप ज्यादा सोच सकते हैं, आप हमसे ज्यादा सोच सकते हैं। ये जो नौटंकी का जो कॉमेडी नाइट चला जहां पर कहा गया कि एसओजी आएगी फिर सर देखो ये दिखाने के लिए एक जुमला था, पकड़े गए जो लोग उनको रिहा कर दिया गया। अब उनका क्या होगा, कोई रिपोर्ट आई है कितने बच्चे इसमें लिप्त हैं, कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं आया। चुप करके जमानत हो गई इनकी, वो घर में बैठे ऐश कर रहे हैं आराम से। और ये हम लोग जो निर्दोष हैं, जो हम लोग निर्दोष हैं वो सजा भुगत रहे हैं। किस लिए सजा भुगत रहे हैं सीएम साहब, आपको जनता के सामने आना पड़ेगा, हम युवाओं के सामने आना पड़ेगा, आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। 2023 का इलेक्शन दूर नहीं है, नहीं है दूर, तीसरा मोर्चा खड़ा है, अभी भी ना सुधरे आप भी सुधार देंगे। आप भी सोच रहे हैं कि हकीकत बता सीएम साहब, आप भी सोच रहे होंगे तीसरा मोर्चा कौन हो सकता है, जहां हमारी सोच है वहां भी आपकी सोच जा रही है कि तीसरा मोर्चा कौन है। ठीक है, उस तीसरे मोर्चे में हम एक ठीक है। रेशमा राठौर जी भी हमारे साथ हैं, रेशमा जी, रेशमा नाम है ना, रेशमा जी बोलिए मैडम, आप बोलिए। ठीक है, रेशमा जी का जो फ्रेम है शायद फ्रीज हो गया, कनेक्शन का कुछ संकट है। ठीक है, चलिए, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। हमारा गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन है कि रीट L2 रद्द करने के पीछे क्या कारण है आपका, कोई एक कारण है सीएम साहब आपके पास, कोई एक कारण है बता सके हमें, हम युवाओं को पिक्चर क्लियर कर सके, कुछ कर सकते हम युवाओं को दिखा के इस कारण से मैंने भर्ती परीक्षा रद्द की है। विपक्ष का दबाव ये हम नहीं मानते हैं, ये कोई कारण नहीं है विपक्ष का दबाव, इसे कोई बच्चा भी नहीं मानेगा कि विपक्ष के कारण आपने L2 को रद्द किया है। सत्ता आप चला रहे हैं ना कि विपक्ष चलाता है, जब विपक्ष चलाएगा तो वो अपनी चलाएगा ना, आपकी नहीं सुनेगा। और सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि ये एसओजी ने जो इतनी मेहनत से, जो लोग कहते हैं कि एसओजी ने इतनी मेहनत से जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा कहां पकड़ा, उनका आराम से, उनको आसानी से जमानत मिल गई सर, आसानी से जमानत, वो तो उन्होंने किया कांड किया, जमानत मिल गई, बाहर चले गए। आप बस जो अभ्यर्थी हमने तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सजा भुगत ही रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, ऐसी सजा कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि ऐसी सजा मिलेगी। अरे हमारे भी सपने थे यार कि हमारी भी जॉब लगेगी, हमारे भी बच्चे खुशी मनाएंगे, एक इनकम सोर्स होता है आदमी को, कोई आदमी किस तरह से पढ़ाई करता है, कोई कर्जा लेके पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। अब वो नेता कैसे समझेंगे मनीष साहब, वो नेता कैसे समझेंगे जिनका टेलीफोन का बिल भी जनता के पैसों का हो, जिनकी गाड़ी में पेट्रोल भी जनता के पैसों का हो, सब कुछ सब्सिडाइज्ड हो। सर 400 रुपए का नेट रिचार्ज आता है, पूरे मंथ फ्री चलता है, तो इन मंत्रियों को दिखता नहीं है कि हम इसको यूज कर लें, पैसा बचाओ ना आप। अब 2000 की पेंशन, जो पेंशन इन्होंने बहाल की है 2004 से, वो भी एक इनका स्टंट ही है राजनीतिक, इनको वोट बैंक मिल जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। नहीं तो भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन की जरूरत क्या है, जो 50,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं उसके घर का खर्चा क्या है, 20,000-25,000 में घर का खर्चा बढ़िया चलता है जी, नॉर्मल आदमी बढ़िया खर्चे में व्यापन करता है अपना। हार का जो डर है, अब सरकार समझ गई,
ठीक है रेशमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है रेशमा जी? हाँ। 2023 में अपनी हाँ जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है 2023 में ये मत सोचना हार का कारण क्या था, ये चल रहा है ना जो सब, सोच लेना। बिल्कुल, और ये सोच लेना आपने जो बोला, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सोच लेना के पीछे कितने सारे शब्द जुड़े हैं समुंदर जैसे, वो हम समझ सकते हैं। रेशमा जी भी हमारे साथ है। रेशमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका फ्रेम पहले फ्रीज हो गया था थोड़ा सा। हाँ जी हाँ ठीक है रेशमा। हाँ, बिल्कुल सर अब आ रही है आवाज। अमूमन मैं ये सवाल करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप पहली दफा जुड़ी हैं मेरे साथ, तो रेशमा जी सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कैसा बीता जो लंबा जो आपने जो झेला है सब कुछ, जिस तरीके से परेशानियों का सामना किया है आपने और जिस तरीके से आप परेशानियों का सामना कर रही हैं वर्तमान में। जी सर परेशानियों का सामना तो सर कोरोना बीच में आया था। पहले मैं खुद प्राइवेट जॉब करके मैंने अपनी जो है बीएड कंप्लीट की थी, पैसे कमा के खुद अपने पैसों से। फिर मैं गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी में लग गई थी। मैं 2018 से तैयारी में लगी हुई हूँ। उससे पहले मेरा मेरिट में कभी नंबर नहीं आता था, नंबर कम पड़ जाते थे। फिर जॉब भी करती थी साथ में, और फिर जब कोरोना काल आया मैं प्राइवेट टीचिंग करवाती थी, तो कोरोना काल में वो जॉब भी चली गई। तो सोचा कोई बात नहीं, अपन जो है रीट आ रही है सामने, तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी में लग गए। डेट बार बार चेंज होती रही। 5 बार तो तिथियां चेंज की सर, हमने कभी विरोध नहीं किया, हम हर बार तैयार थे। चलो ठीक है, इस बार नहीं, 2 महीने और सही। बीच में स्कूलें खुली पर ज्वाइन नहीं किया, ये सोचकर कि कोई नहीं इस बार रीट में हो जाएगा, सारे सपने सच हो जाएंगे, बेरोजगारी का दंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सर वो कर भी दिखाया, रिजल्ट आया 2 नवंबर को, 141 नंबर भी आ गए, नौकरी पक्की थी। 4 महीने के बाद में मैंने वापस जॉब शुरू की, 4 रुपए वापस कमाए। लेकिन वो ये सोचकर कि अब तो रीट में तो हो ही गया, चलो फर्स्ट रेट में और करते हैं वापस। प्राइवेट जॉब भी शुरू कर दी रीट के बाद, तो फर्स्ट रेट का कोर्स ले लिया, पैसे उनपे खर्च कर दिए। इधर आकर इन्होंने 7 फरवरी को रीट ही रद्द कर दी। अब बताओ जो चलो ठीक है रेशमा जी आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है। रेशमा जी आप पर मैं वापस लौटूंगा, लेकिन हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है जी। रेशमा जी बोलिए आपका आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो सर इन्होंने फटाफट जो है बिना सोचे समझे भर्ती रद्द कर दी। इस भर्ती के अंदर लगभग जो बड़ी संख्या में वो वर्ग था जिन्होंने ईमानदारी ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कुछ समस्या है क्या हालत हो रही? लेकिन आपकी बात इन्होंने एक बार भी ठीक है, आपकी बात जो है रेशमा जी हमको मिल गई है। और आप समय खराब चल रहा है, जो वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है कि अगर साथ रहेंगे और संगठित रहेंगे और लड़ेंगे सर, आखिरी हम कभी ये ना सोचे कि हमने कोशिश क्यों ना की, कोशिश करेंगे आखिरी तक साथ रहेंगे। और अब बहुत जल्द नेताओं को बुलाकर भी हम उनको दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे, उनको मिरर दिखाएंगे। मनीष जी सर, शिक्षा मंत्री जी हमारे बीडी कल्ला जी ताकि वो भी राय नहीं दे पाए सीएम साहब को। शिक्षा मंत्री क्या दर्जा होता है आप समझ सकते हो? एक अध्यापक की भूमिका अपने समझते हैं, अपने भी पढ़ाई की, अपने भी गुरु रहे हुए हैं, उनका भी अपने आदर सत्कार करते हैं, वो अपनी प्रति क्या सोचते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने क्या सोचा युवाओं के बारे में? उन्होंने भी इस पक्ष में वोट दे दिया कि आप रद्द कर दो। किसके पीछे रद्द कर दो? कितने लोग इसमें लिप्त थे, कोई जानकारी किसी को है ही नहीं। आप 2,000-5,000 पोस्टें भी बढ़ा सकते थे सर, बहुत से सोल्यूशन थे बैठने के, बहुत रास्ते थे, कोई एक रास्ता नहीं होता। लाइफ में एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुलते हैं सर, ये मत सोचिएगा। आप बैठते हम युवाओं के साथ, किसी भी 4 युवाओं को आप आमंत्रित कीजिए, आज भी युवा आपके पास आएगा और बोलिए आपके साथ बैठक करने को तैयार है। चलिए ठीक है, चलिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और भाग लेने। आपने जो बातें रखी वो तमाम बातें तमाम हमारे साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, जिन जिन के साथ गलत हुआ, ये उन सभी की एक संगठित रूप से आवाज, जिस आवाज को Bharat@9 एम्पलीफाई कर। और अब
रुकने का वक्त गया, चढ़ाई करने का वक्त। वी विल नॉट स्टॉप टिल वी मेक इट। आप बने रहिएगा भारत एट 9 के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट। देखिए भारत एट 9 काबेंद्र चौहान के साथ।